देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ऐसा नजारा जहां लाखों रंग बिरंगे ट्यूलिप का सिलसिला है, मानो जैसे एक ख्वाब है जहां एक जन्नत सा एहसास है। यह है कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। यहां लाखों ट्यूलिप के एक साथ कई रंग देखने को मिलते हैं। 60 से ज्यादा किस्मों के साथ साथ अलग अलग फूलों के लाखों पौधे सैलानियों को इतना लुभाते हैं कि वो पूरे साल ट्यूलिप के खिलने पर इस गार्डन के खुलने का इंतजार करते हैं। अभी बर्फबारी खत्म होने के बाद जब बसंत ऋतु में ट्यूलिप खिलते हैं तो फिर मार्च अप्रैल में गार्डन को दर्शकों के लिए खोल दिया जाता है। इस इंतजार से न सिर्फ सैलानियों का दिल खुश होता है, बल्कि इस गार्डन में पूरे साल मेहनत करने वाले 100 से ज्यादा कर्मचारियों की भी मुराद पूरी हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लोगों को यहाँ अट्रैक्ट करती है वो ये है कि ये जो आपको पता ही है कि उस वक्त ये ब्लूम में आता है जब मैक्सिमम हमारे यहाँ कश्मीर में फ्लावरिंग कम होती है। ये वो वाला क्रॉप है जैसे अर्ली स्प्रिंग, ये हमारा जो टूरिस्ट फ्लो है ये प्रिपोन करता है हमारा टूरिस्ट फ्लो है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितनी डाइवर्सिटी इस ट्यूलिप क्रॉप में, ट्यूलिप फ्लावर में है कलर्स के हिसाब से, आप इतनी डाइवर्सिटी किसी और क्रॉप में वर्ल्ड में नहीं देखेंगे। हमारे लोगों में एक जज्बा था, यही जज्बा था कि ड्यू टू कोरोना जो लोग बाहर नहीं निकल पाए और एक बिल्कुल मायूसी छाई हुई है सारे सबके चेहरों पे, वो बोल रहे थे कि क्यों ना हम ऐसा कुछ करें, मेहनत करें कि हमसे यहाँ लोग आ जाए और खुश हो के निकले, हम ही एक वजह बन जाए लोगों की खुशियों के लिए। वो मिशन लेके इन लोगों ने बहुत मेहनत की, उनका मिशन यही था कि लोग आ जाए और खुश हो जाए, यहाँ से खुशी खुशी निकले। श्रीनगर शहर के मुख्य केंद्र लाल चौक से करीब 8.5 किलोमीटर दूर डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ी पर अपनी तरह का नायाब थीम गार्डन। साल 2007 में इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन की शुरुआत हुई थी। इस ट्यूलिप में जितनी वैरायटी है उतनी और किसी फूल में नहीं होती। हमने जो सिर्फ ट्यूलिप की वैरायटीज हमने 62 वैरायटीज हमने इस साल लगाई हैं। साथ साथ में इसके अलावा हमने और जो है फ्लावर्स जैसे डेफोडिल्स हैं, मस्करी हैं, हायसिंथ्स हैं, जो भी ब्लूम करते हैं ट्यूलिप के साथ साथ वो भी हमने लगाई है। इसमें मैक्सिमम जो फ्लावर की एज है वो 17 डेज है, लेकिन हम जो अर्ली, मिड और लेट वैरायटीज़ को ऐसे प्लांट करते हैं कि ये हमारा जो शो है ना ट्यूलिप शो, ये मैक्सिमम टाइम यानी कि मंथ से ज़्यादा चले, सो दैट कि हम ट्यूलिप अर्ली, मिड और लेट वैरायटीज़ को ऐसे यहाँ पे शो करते हैं कि ट्यूलिप शो तकरीबन मैक्सिमम टाइम के लिए लोगों को खुश करें। सैलानियों के लिए गार्डन बंद होने के बाद इसका प्लांट तरीके से प्लांटेशन किया जाता है ताकि ये ट्यूलिप जब खिलते हैं तो अलग अलग रंगों के कलर स्कीम को साकार करते हैं। बंद होने के बाद ही हमारा काम शुरू हो जाता है। हमारी ये जो सॉइल है इसको तैयार करना पड़ता है, इसमें फर्टिलाइजर्स, पहले इसमें स्टरलाइजेशन करनी पड़ती है सो दैट कि कोई जो पुराना फंगस या पेस्ट ना रहे जो कि इफ़ेक्ट करता है हमारी जो बल्ब लगाने के बाद इसमें कोई डिजीज़ करे, उसको देखते हुए फ्यूमिगेशन हो जाती है। उसके बाद फिर सॉइल टिलरिंग, ट्रैक्टर से ज़मीन को तैयार करना, फिर खादें डालना,
मैन्यूअर डालना, वर्मी कंपोस्ट डालना, वो सारा कुछ करना पड़ता है। उसके बाद फिर प्रॉपर बेड्स बनाने होते हैं, उसको भी प्रॉपरली एक प्लान के हिसाब से जो हम करते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद ही जो भी ज़मीन बिल्कुल तैयार हो जाती है, उसके बाद ही इसमें सोइंग होती है, ट्यूलिप सोइंग होती है। ट्यूलिप एक बल्ब पे बनता है, वो बल्ब निकालना, उसको बल्ब को फिर साफ़ करना, फिर ग्रेड करना, छोटा बड़ा निकाल के वैरायटी वाइज, फिर नीचे ग्रेडिंग करना, फिर ट्रांसफ़र करना जो हमारा चैम्बर होता है कूल चैम्बर में, वहाँ पे इसको बिल्कुल वो टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन, ह्यूमिडिटी मिलनी चाहिए जिससे कि ये बल्ब नेक्स्ट सीजन के लिए फ्रेश रहे। और इसमें बिल्कुल वो फ्लावर, क्योंकि ये ओनली वो बल्ब है जिसका फ्लावर पहले ही बल्ब में बना हो बन जाता है। साथ साथ में फिर यहाँ से फील्ड में लैंड डेवलपमेंट करना, ट्रैक्टराइजेशन करना, वीडिंग का, फिर मैन्योर फर्टिलाइजर्स लगाना और बेड्स बनाना, बिल्कुल सा पूरा साल हमारा इसमें चला जाता है। डिफरेंट ऑपरेशंस करने पड़ते हैं सो दैट कि हमारा जो ट्यूलिप सीजन है ये सक्सेसफुल रहे। जब हम प्लांटेशन करते हैं इससे पहले इसमें बड़ा कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक कलर स्कीम बनती है, कौन सा कलर कहाँ पे रखना है। आपको पता है बहुत से डिफरेंट कलर्स, एक कूल कलर्स होते हैं, कुछ वार्म कलर्स होते हैं, जैसे रेड वार्म कलर है, जैसे कूल कलर्स हैं ब्लू वाइट, दे आर कूल कलर्स। इनका ऐसे कम्बिनेशन हम बनाते हैं कि सो दैट ये सारी जो यहाँ पे विजिटर्स आएंगे उनको बेस्ट लगे। साथ साथ में इसमें भी हम अर्ली मिड लेट वैरायटीज होती हैं, जो पहले निकलती है वैरायटीज़, उसके बाद जो निकलती है और जो लास्ट में निकलती है जो फ्लावरिंग करती हैं, उनका भी हम प्लांटेशन ऐसे करते हैं कि जो हमारा ये सीज़न है ना, फ्लावर सीज़न, ट्यूलिप शो, ये मैक्सिमम टाइम तक चले। ट्यूलिप गार्डन में एक तरफ प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नज़ारा है तो दूसरी ओर सैलानियों की सुविधा के लिए आधुनिक इंतजाम भी किए गए हैं। 14 साल के अंदर ही ट्यूलिप गार्डन ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। उम्मीद करते हैं अगले साल और सालों साल भी लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।